वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता पर। मैं हूं आशीष। आज तारीख है 15 जुलाई और दिन है बुधवार का। मैं आपके सामने हाजिर हूं अब तक की बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले आपको बता दें कि उत्तराखंड से एक बुरी खबर सामने आ रही है, जहां देहरादून के चुक्कूवाला इलाके में देर रात एक मकान ढह गया। सूचना पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने अब तक 6 लोगों को मलबे से बाहर निकाल लिया है, लेकिन इनमें से 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आशंका है कि अभी मलबे में कई और लोग फंसे हो सकते हैं, जिन्हें एसडीआरएफ की टीम निकालने का प्रयास कर रही है। आपको बता दें कि इस समय उत्तराखंड में बारिश का कहर जारी है और इसी के चलते शायद ये हादसा हुआ होगा। अब आइए बात कर लेते हैं राजस्थान में जारी सियासी संकट की। कांग्रेस के बागी सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष का पद छिन जाने के बाद अब बीजेपी भी सक्रिय हो चली है। राजस्थान में बीजेपी अपनी रणनीति बनाने के लिए आज जयपुर में बैठक करेगी। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया भी शामिल हो सकती है। बैठक में गहलोत सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने पर भी विचार किया जा सकता है। दूसरी तरफ सचिन पायलट भी आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, जिसमें वो अपने ऊपर लग रहे आरोपों पर बयान जारी कर सकते हैं। इस बीच सचिन पायलट के करीबियों की तरफ से इस्तीफे का सिलसिला शुरू हो चुका है। कांग्रेस के पाली जिलाध्यक्ष चुन्नीवाल चडवास ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं राजस्थान कांग्रेस के प्रवक्ता सुमेर चरण ने भी राहुल गांधी को पत्र लिखकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। शशि थरूर ने सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री और राज्य के पार्टी प्रमुख पद से हटाए जाने पर दुख जताया है। उधर पायलट के समर्थन में ट्वीट करने के बाद कांग्रेस प्रवक्ता की पार्टी से ही छुट्टी हो गई है, और ये प्रवक्ता संजय झा हैं, जो महाराष्ट्र में रहते थे। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि सचिन पायलट के बगावती तेवरों से कांग्रेस में सियासी भूचाल आ गया है। फिलहाल अब बीजेपी का साथ देंगे सचिन पायलट या फिर बनाएंगे अपनी अलग पार्टी, सचिन पायलट के अगले कदम पर टिकी हैं सबकी निगाहें। वहीं आज केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई की 10वीं के रिजल्ट जारी किए जाएंगे। ये जानकारी केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट के माध्यम से मंगलवार को दी थी। बोर्ड परीक्षा में शामिल छात्र अपना परिणाम सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। आपको बता दें कि सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbse.nic.in है और आप इस पर अपने रिजल्ट देख सकते हैं। उधर भारत चीन सीमा विवाद के बीच पूर्वी लद्दाख के चुसूल में मंगलवार को भारत और चीन के बीच कमांडर लेवल की बातचीत हुई। यह बातचीत करीब 14 घंटे तक चलती रही। बताया गया कि यह वार्ता मंगलवार सुबह 11:30 बजे शुरू हुई और लगभग 2 बजे रात को समाप्त हुई। मिली जानकारी के अनुसार इस बैठक में दोनों पक्षों ने एलएसी पर चरणबद्ध तरीके से सेनाओं के पीछे हटने पर बातचीत की और सहमति जताई। अब बात कर लेते हैं कोरोना के बढ़ते कहर की। जी हां, देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या इस समय 9,37,562 हो चली है। अब तक 24,315 लोगों की जान जा चुकी है और बीते दिन देश में 29,917 मरीज बढ़े थे। यह एक दिन का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि देश में कोरोना का कहर कितनी तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि इस बीच कोरोना संकट के बीच आईआईटी दिल्ली के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस की जांच के लिए स्वदेशी सस्ती तकनीक तैयार कर ली है। जांच किट केरोस्योर से 2 घंटे में 100% रिजल्ट सामने आएगा। आईसीएमआर के मंजूरी के बाद अब यह किट बाजार में आज से उपलब्ध हो जाएगी। विशेषज्ञों के मुताबिक इस जांच किट का खर्चा 250 से 300 रुपए आएगा। वहीं मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में हरियाणा के कैथल और कुरुक्षेत्र में और यूपी के शामली, मुजफ्फरनगर और आसपास के इलाकों में आंधी तूफान के साथ तेज बारिश की बात कही है। स्काईमेट वेदर का अनुमान है कि दिल्ली एनसीआर में गुरुवार से और शनिवार के बीच मौसम करवट लेगा और झमाझम बारिश होने की पूरी संभावना है। इसके अलावा स्काईमेट वेदर ने यह भी कहा कि अगले 24 घंटे में देश के उत्तर पूर्वी और मध्य के राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और ओडिशा समेत अलग अलग राज्यों में भी जमकर बारिश होगी। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें, और आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ दिन की दूसरी बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए आप बने रहिए जनसत्ता के साथ।